भारत में इंतहा पसंद हुकूमत के पुरअम मुजाहिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की, मुसलमानों के घरों को बिलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। बट इंडिया में चीमा साहब ऐसे, मैंने वो वीडियो ट्वीट भी करे, ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि किसी भी हिंदू को वो बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बोला कि अकबरुद्दीन ओवैसी का सरतन से जुदा या रहमानी का सरतन से जुदा। Nobody has said it. आपने कभी ये नहीं देखा कि उन लोगों ने ऐसे कमेंट्स पास करेगा। वीडियो का मेन हिस्सा, वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर सीधे मेन हिस्से तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आना था। भारत में शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद जो पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी होने के बाद आपको पता है शनिवार आता है, और शनिवार को जो पत्थरबाज उनकी ठुकाई होती है, उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जाती है, जैसे कि उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की, इतना नुकसान किया, बस बहुत सारी चीज़ें नुकसान की, तो उसके बाद उनकी ठुकाई होती है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का ऑब्वियसली रिएक्शन है ना। और वन साइड न्यूज़ दिखाएंगे, वो अदर साइड न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, जैसे नूपुर शर्मा के केस में दिखाया। नूपुर शर्मा का केस आपको क्लियरली पता है, उससे पहले टीवी पर कितना प्रोवोक किया जाता था, शिवलिंग को क्या क्या बोल रहे थे लोग, खुलेआम टीवी पर आकर क्या क्या बोल रहे थे। और एक बंदा है ऑल्ट न्यूज़ में काम करता है, जुबैर, वो भी, उसके भी अब पुराने ट्वीट, और उसने अपना फेसबुक अकाउंट अभी हटा लिया है, डिलीट कर लिया है, क्योंकि उसने इतने उल्टे सीधे पोस्ट किए हिंदुओं के खिलाफ, उसने ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया। मतलब आप एक चीज़ समझें कि ये केवल वन साइडेड रिस्पेक्ट चाहते हैं मुस्लिम, केवल वन साइडेड रिस्पेक्ट चाहते हैं, इनके प्रॉफिट की आप इज्जत करें। और अगर इनसे आप सोच रहे हैं कि ये आपके जो ईस्ट हैं, कोई भी हो, महावीर हों, बुद्ध हों, लॉर्ड शिवा हों, जीजस हों, वाहेगुरु हों, और जितने भी हैं, मतलब आप बचे हैं, जितने भी दूसरे धर्म के जो ईस्ट हैं वो बचे हैं, उनकी आप इनसे इज्जत की बात करें, तो फिर आप इनकी तरफ से एक ही डायलॉग आएगा कि तुम उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो, ताकि वो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना बोल दें। मतलब पहले ही उस डायलॉग में इन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया कि आपके खुदा तो झूठे हैं, हम उनको झूठा नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम पलट कर हमारे सच्चे खुदा को झूठा ना बोलो। तो आप समझ सकते हो, मन में ही खोट है, जब दूसरों की रिस्पेक्ट करना ही नहीं है, तो फिर कैसे आप इनसे उम्मीद कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो देखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद। इससे क्या होता है, अच्छा मैंने उसका देखा पाकिस्तान में रिएक्शन, पाकिस्तान में मैंने रिएक्शन देखा, कोई टीवी एंकर में नाम बोल गया कि देखिए कितना बहादुर आदमी है, हिंदुओं के बीच में खड़े होके, वो बहादुर नहीं है, उसको पता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होना, उसकी बहादुरी वहां से आती है, उसकी बहादुरी वहां से आती है कि बिकॉज ही नोज ही इज बुलेट प्रूफ, उसको पता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मैं तो दुनिया भर बकवास करूंगा रोज, पर मेरे में डर है ना, मेरा डर है कि आई कैनॉट से दिस। तो चीमा साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप देखिए रहमानी साहब ने क्या बोला। मैं नूपुर को डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं एक बात बोल रहा हूं कि नूपुर ने क्यों बोला। उसके पहले अगर आप वीडियो देखें, इतनी गंदी बातें। आई विल सेंड वन और टू वीडियोस टू यू, जो मैंने ट्वीट नहीं करा, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मुझे ट्वीट करना चाहिए, वो भड़काने वाली चीज हो जाती है। ऐसी ऐसी गंदी गंदी, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ओआईसी का नहीं आया, कोई ओआईसी का ये नहीं हुआ। देखिए इस्लाम ये भी तो कहता है ना, आप बताइए, यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चीमा साहब, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम ये भी तो कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, कहता है ना, इंसानों की इज्जत करो, इंसानियत की इज्जत करो, दूसरे के मजहब। तो कोई तो उलेमा, कोई तो इमाम या कोई तो मौलवी इनको भी बताए ना कि तुम जो कर रहे हो गैर इस्लामी है, तुम हिंदुओं को क्यों, उनके देवी देवताओं को क्यों गलत बोलते हो। नूपुर शर्मा, अगेन आई एम सेइंग, नूपुर शर्मा इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट इज अ रिएक्शन, और इससे हमारे समाज को बहुत चोट पहुंचेगी, क्योंकि रिएक्शन होगा। चीमा साहब, आपने जो मैंने ट्वीट करे हैं, आपने देखा होगा, आपने कभी ऐसे ट्वीट करते हुए देखा मुझे? आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं जनरली दिन से लेकर रात तक इमरान खान, पाकिस्तान, ISPR यही करता रहता हूं मैं, और दिन में 15 ट्वीट मेरे यही होते हैं। मैंने तो कभी रिलीजन के बारे में ट्वीट नहीं करा, मैंने तो आज तक नहीं करा पॉलिटिक्स के बारे में ट्वीट। मैं अब क्यों कर रहा हूं? मैं अब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है भारत में ये मेरी, एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूं चीमा साहब, एंड आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट कि मैं गलत हूं या हो सकता हूं गलत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सेक्युलरिज्म का जो लोड है ना, वो हिंदुओं के कंधे पर डाल दिया कि तुम देखो बेटा, तुम गाली खाओगे, ठीक है, तुम गाली खाओगे, तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दी जाएगी, तुम जलील होगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का लोड तुम्हें उठाना है, तुमने कुछ बोल दिया तो सरतन से जुदा। यार ये तो गलत चीज है, पूरी इज्जत होनी चाहिए। मैं एज अ हिंदू मैं रिस्पेक्ट करता हूं प्रॉफिट मोहम्मद की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं कहूंगा कि प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे थे, वो वहां गए,
वो बैठे, वो चले, उन्होंने ऐसे बात करी, ये मेरे लफ्ज होंगे, ये लोग क्या कहते हैं टीवी में, ये बोलते हैं अरे वो राम था, कहां पैदा हुआ हमें पता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं कुछ भी, ये ऐसे बात करते हैं ना। तो बात ये होती है कि somebody will tolerate for some time, then there will be a reaction on TV, then all the countries, Muslim countries will get together, say कि नूपुर शर्मा का सरतन से, ऐसे नहीं होता। नहीं मैं सर, ये बात ठीक है, आप एक कह रहे हैं कि ये उसका reaction है, लेकिन over the period of time, ये जो continuously US State Department ये कह रहा है जी कि worship places वहाँ पे target होती, ठीक है, कभी दुनिया में हमने ये नहीं सुना कि ये कहा जाए, जो जो आपका जो version है वो नहीं आ रहा दुनिया से जी, ये minorities का version क्यों आ रहा है, ये भी एक question बनता है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखें मैं तो सिंपली इस बात पे यकीन रखता हूँ, मैंने मेरा आई थिंक मैंने कुरान में ये पढ़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत बात करूं, कि भाई तुम किसी के खुदा को झूठा ना कहो, ठीक है, ताकि कोई तुम्हारे खुदा को ना कहे, तो जो जिसको मानता है लेट हिम, रिस्पेक्ट हिम, ऑनर हिम, जो भी कर रहे हैं करना चाहिए, हर एक का हक है, वो जिस मजहब की पूजा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसको मानते हैं उनको मानना चाहिए। ये रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों कंटिन्यूअसली इंडिया के ऊपर एक इंप्रेशन है, आई नो यू डोंट स्पीक फॉर ऑल ऑफ देम, बट जस्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ योर टॉक, ये क्यों कंटिन्यूअसली इंप्रेशन आ रहा है, और ये क्यों इंप्रेशन नहीं आ रहा कि हाँ जी मुसलमान जो है वो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन ये तो इंप्रेशन आ रहा है, ये सारी दुनिया ये क्यों करके क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि जी ये मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी है, ये किसी की नहीं सुनते, सैफ्रोनाइजेशन हो गई है, बहुत कुछ हो गया, तो आप इसमें ये तो देख रहे हैं ना कि पूरी दुनिया का एक कलेक्टिव रिएक्शन है, ये मतलब आपका जो वर्जन है देयर इज नोवेयर ऑन द अर्थ, सो दैट मींस या तो आपका वर्जन जो है दैट इज टू, जो लोग कर रहे हैं वो बड़े थोड़े हैं, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द सिस्टम, दे आर टू वीक, दे आर नॉट इन पावर, ठीक है, और वो एक रिएक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस जो ग्लोबल रिएक्शन है जिसमें अभी जिसमें दुनिया के सब ऑलमोस्ट काफी मुसलमान मेन स्ट्रीम मुल्कों ने ज्वाइन किया है, और कईयों ने हल्की फुल्की मीठी स्टेटमेंटें दी, कईयों ने सख्त दी, कईयों ने कहा माफी मांगो, कईयों ने कहा कुछ कहा करो, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्यों सारी दुनिया आपको ये कह रही है अगर आपका वर्जन में इतना वैल्यू है। जी मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ चीमा साहब, इसमें नूपुर शर्मा का स्टेटमेंट आया 26 तारीख को, रात की डिबेट थी एक खास टीवी चैनल पे, और रहमानी एक तरफ बैठे थे, नूपुर शर्मा एक तरफ बैठी थी, तो ये कहा सुनी हुई दोनों में, जिसने वो बोला इसने वो बोला, जो भी बोला दैट इज वेल नोन टू एवरीबडी। 3 जून को जुम्मा था, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत पत्थरबाजी कानपुर में हुई बिकॉज मोदी जी वहां पे थे, थोड़ी बहुत हुआ, चुप। 10 तारीख को एक कोऑर्डिनेटेड पत्थरबाजी पूरे भारत में हुई है, पूरे भारत में। तो पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं चीमा साहब कि अगर मैं ये फैक्ट्स आपके सामने रखूं, और आप मीडिया से वेरीफाई कर सकते हैं फैक्ट्स, इसका मतलब ये जो था जो आउटबर्स था पत्थरबाजी का, ये चीमा साहब दिस वॉज नॉट ऑर्गेनिक। अगर मुसलमानों को उनकी वो आहत हुए या उनको बुरा लगा किसी चीज का, लगा भी होगा, जाहिर सी बातें लगेगा बुरा, इसमें कोई शक नहीं है, तो पहले क्यों नहीं हुआ, ये 10 तारीख को क्यों हुआ, ये 3 तारीख को क्यों नहीं हुआ। अब मैं आपको 2-4 फैक्ट्स बताता हूं। बात ये है कि ये पूरा एक प्लानिंग के तहत करा गया, क्योंकि अचानक इतने शहरों में एक साथ एक जुम्मा छोड़ के अगले जुम्मे, इट वॉज वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, राइट। मैं कोई बाहर की साजिश की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से कोई बैठ के कमरे में हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ठीक है,